अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो कि सऊदी अरब की है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो कि आप लोग बहुत सारे सवाल भी करते हो कि मेरी सैलरी कंपनी नहीं दे रही है, इंड ऑफ बेनिफिट नहीं दे रही है, बोनस नहीं दे रही है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, बस एक लाइक बोलता हूँ करने के लिए। और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो मैं सबसे पहली यहाँ पे खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि कम्प्लीटली जो है सऊदीआइजेशन हो गया है, जो कि डेडलाइन थी वो पास भी हो गई है। तो यहाँ पे आपको तफ्तीश चालू है, आपके कामों की चेकिंग चालू है, जैसे कि मॉल वगैरह में या फिर कहीं भी कोई मार्केट में, या आप कहीं भी पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो तो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि आपके कामों की चेकिंग चालू है और यहाँ पे अगर आप पकड़ा जाते हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आपको ये सब अब ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कम्प्लीटली बोल दिया है कि कोई भी बाहरी लोगों को यहाँ पे ये सब जगह पे काम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि सारा पैसा है सऊदी में ही रह जाए। तो इसलिए, और दूसरी यहाँ पे अपडेट है जो कि है, अब क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जो इसको नहीं भी होना था, यहाँ पे 48 आवर्स के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जो लोग यहाँ आएंगे, जिनको जिन्होंने डबल डोज भी ले लिया है, वो उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ बट स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि है कि मेडिकल वाले लाइन में हो गए या फिर एम्बेसी में हो गए, इस सब तरह की जो है स्पेशल कैटेगरी, उन लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। और उसके बाद 48 आवर्स के बाद आपको एक PCR टेस्ट करवाना है, टेस्ट निगेटिव आया तो फिर आप बाहर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, बट यहाँ पर सारे के लिए नहीं है। और तीसरी जो आप सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप जिसका वेट कर रहे हो, यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की एक टीम है जो कि आपकी सैलरी या फिर इंड ऑफ बेनिफिट बोनस या फिर एग्जिट फाइनल एग्जिट ये सब पे काम करती है। मतलब कि आपको अगर नहीं मिल रहा है, अभी एक न्यूज आया है कि 304 लोगों का जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने हुकूक दिलवाया है, जिसमें कि आपकी सैलरी हो गई या इंड ऑफ बेनिफिट बोनस हो गया, तो ये सब दिलवाया। और इसके साथ ही कुछ बंदों का फाइनल एग्जिट भी लगवाया जो कि कंपनी नहीं दे रही थी, तो ये सब काम किया है। तो ये होता है कैसे है, ये जो है आपकी एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी इंडिया पाकिस्तान किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, वहाँ से ये कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद आपकी जो कंप्लेन होती है उस पर ये काम करते हैं, उस पर काम करने के बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लाइक आपकी कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है, बोनस नहीं दे रही है, इंड ऑफ बेनिफिट नहीं दे रही है, तो ये दिलवाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की एक अलग से टीम है, तो आपको अगर नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो आप भी कंप्लेन कर सकते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपकी इंड ऑफ बेनिफिट नहीं दे रही है तो आपको ये यहाँ पे कंप्लेन करना है। तो अभी आप देख सकते हो न्यूज़ में भी आ गई है ये खबर, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहुत सारे सवाल करते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, मैंने शेयर कर दिया। और एक और छोटी सी अपडेट जो कि उम्रा से रिलेटेड है, अगर आप 10 अक्टूबर के बाद से उम्रा करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है डबल डोज लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिसने भी नहीं लगाया वो उम्रा के लिए नहीं जा सकते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो में ये कुछ अपडेट मैंने शेयर की जो कि इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।